एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 क्वाड्रेटिक फॉर्म में मल्टीप्लाई करें तो साइड का नंबर आएगा, यानी ये 1 6 6, यानी मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और प्लस माइनस करें तो 5। हमने इसका लिया फैक्टर 6, यानी 2 3 6। अब इसमें देखा तो 2 3 6 में मल्टीप्लाई होके 6 आ रहा है और प्लस करके 5, तो हमने पहले लिखा 3 प्लस 2। अब देखा जाए तो 3 और 2 क्या हो गया, 5, 3 प्लस 2 और जो x था वो आउट ऑफ ब्रैकेट आ गया, प्लस 6 एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जब आए एक्स स्क्वायर मौजूद है, प्लस 3 और x, ये इकट्ठा करके लिखा हमने, फिर प्लस 2 और x, 2x हो गया, प्लस 6 इज़ इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आने के बाद पेयर बनाया, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन थी, x, x बाहर आ गया, x अंदर बचाएगा, यानी ये एक्स स्क्वायर था, एक एक्स बाहर है, एक एक्स अंदर आ गया, प्लस का साइन एज इट इज़ आया, 3x, 3x में x बाहर है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3, ये वाला प्लस एज इट इज़ आया, यहाँ 2 और 6 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, हमने 2 को बाहर ले लिया, जब 2 बाहर लिया तो अंदर क्या बचेगा, x, प्लस की साइन एज इट इज़, जब 2 बाहर लिया है और बात हो रही है 6 की, तो 2 का ऐसा टेबल पढ़ें कि 6 आ जाए, तो 2 3 6, यहाँ देखा जाए तो दोनों ब्रैकेट सेम होंगे, अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं हुए तो आंसर गलत है। x प्लस 3 क्योंकि ये दोनों कॉमन था, इसको वन टाइम लिखा, x प्लस 2 सेकेंड ब्रैकेट, जब ये दोनों चीज़ें बन गई इज इक्वल्स टू 0। अब इसको फर्स्ट वन यहाँ रखा, यहाँ x प्लस 2 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 0 के हिसाब से। अब यहाँ पे x हमने सिर्फ यहाँ ब्रैकेट रिमूव किया, प्लस 3 है इज इक्वल टू के उधर जाके माइनस 3, इसी तरह प्लस 2 है उधर जाके माइनस 2, तो x की वैल्यू क्या क्या निकली, माइनस 3 माइनस 2, तो ब्रैकेट के अंदर हम एक साथ करके लिख देंगे माइनस 3 माइनस 2।